मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज केतन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। व्लॉग शुरू करने से पहले सबको हैप्पी दुर्गा पूजा। गाइज, आपको पता ही है दुर्गा पूजा चल रहा है। ये व्लॉग जब आप लोग देख रहे होंगे तब दुर्गा पूजा का फर्स्ट डे है। एंड कैसा क्या एंजॉय कर रहे हो एक बड़ी कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड गाइज, ये जो व्लॉग है ये एक्चुअली एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए दुर्गा पूजा के समय। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर वन से। आपको जो है सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना चाहिए। मैं भी जो है, मेरा हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं इतना दिन मास्क नहीं लगाया था, पर अब दुर्गा पूजा में हर दिन मैं मास्क लगाने वाला हूँ। एंड सेकेंड जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है ओबे ट्रैफिक रूल्स। उसमें बेसिकली ये इंक्लूड करता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ही नहीं करना है। दैट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, सबको ही पता है। तो लाइक एक छोटा सा स्टेप अगर आप लोग आपके साइड से लेते हैं देन इट्स वेल एंड फाइन। एंड जो सेकेंड पॉइंट है अंडर ट्रैफिक रूल वो है कि अगर कहीं पर नो एंट्री है तो आप लोग उस साइड में जाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है जाम का। तो लाइक आप लोग अगर वो कुछ रूल्स को अगर फॉलो करके चलोगे तो जाम कमेगा, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही आसानी आएगा। एंड कोई भी कुछ बोल नहीं सकता ना कि कब किसका इमरजेंसी हो जाएगा। कहीं से भी फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, किसी को भी जाना पड़ सकता है। तो लाइक आप लोग रास्ता को जो है हमेशा फ्री रखने का कोशिश करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आप लोग अपना जो सराउंडिंग है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आई मीन टू से दैट दुर्गा पूजा के समय बहुत सारे स्टॉल बैठते हैं बाहर, तो लाइक आप लोग कुछ भी खाते हो इधर उधर मत फेंका करो ना। आप अपने साथ एक पॉलीथीन लेके चलो, कुछ भी खाओगे तो उस पर फेंक दो। घर आके कहीं पर डंप कर देना, या फिर रास्ते में कोई डस्टबिन मिला तो उस पर डंप कर देना। इस बार जो है बहुत सारे डस्टबिन एंड ऑल प्लेस किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे, तो लाइक आप लोग उन सब का यूटिलाइज करना, रास्ते में मत फेंका करो गाइज। ये एक छोटा सा स्टेप अगर आप लोग अपने तरफ से ले तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप बन जाएगा। हर एक एक आदमी अगर अपना अपना सामान को अगर संभाल के रखे, सामान नहीं कचरे को अगर संभाल के रखे, एंड बाद में कोई डंप करने का जगह पे जाके अगर डंप करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड फॉर आर नेचर। आपको पता है कि नहीं, मैं बता दूँ कि सिलचर जो है सेकेंड डर्टीएस्ट सिटी का लिस्ट में आता है। एंड उस लिस्ट में नाम हम लोगों ने डाला है, एंड हम लोगों को ही उस लिस्ट से नाम निकालना है। तो आप लोगों को जो है कचरे का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई आपके सामने कचरा फेंक रहा है उसे बोलो कि नहीं भाई, नहीं फेंकना चाहिए। ये छोटा सा स्टेप बहुत बड़ा बन सकता है। एक चीज़ याद रखना गाइस, इफ़ वी वांट वी कैन। आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केवी व्लॉग सेलचर।